सिलसिला लगातार यहाँ पे जारी है। टीचर एसोसिएशन है, उनकी यूनियन है, आज एक डेपुटेशन यहाँ पे आया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलने के लिए। और ये तस्वीरें है, देख रहे हैं आप, सचिवालय के बिल्कुल मुख्य द्वार पर यहाँ पर खड़े हैं, हाथों में फूल माला यहाँ पर है। और तो काफ़ी सारे डेपुटेशन यहाँ पे मिलने आ रहे हैं। बधाई देने का तांता अभी भी जो है सचिवालय में लगा हुआ है और लोग बधाई देने का सिलसिला है। और खासतौर पर अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में जो कर्मचारी है उनके डेपुटेशन भी यहाँ पर मिलने यहाँ पे आ रहे हैं। चलिए इनसे बातचीत भी करेंगे। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रिपन प्रवक्ता इतिहास के साथ ही बहुत सारा हमें अपेक्षाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। और हमें बहुत हद तक हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो मान ली गई हैं, हमारी जो मांगें हैं वो मान ली गई हैं। और सिर्फ आज के दिन में हम सिर्फ उनका धन्यवाद करने और उनका स्वागत करने, उनको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पे आए हुए। आपको क्या लगता है कितने ये कर्मचारी के हित के लिए अगर हम बात करेंगे कितना सिर्फ यहाँ पर सही सीट होंगे? जहाँ तक कर्मचारी इतना हमारी जो सबसे बड़ी मांग थी वो पूरी होने जाएगी। हमें इससे ज़्यादा खुशी और नहीं हो सकती कि जो हमारे कर्मचारी साथियों की जो मुख्य मांग थी वो भी वो सबसे ज़्यादा पहले पूरी करी है। पहले कैबिनेट की घोषणा होने वाली है, इसलिए सबसे ज़्यादा खुश है कर्मचारी। तो कैबिनेट का इंतजार है आपको कब? ऐतिहासिक फैसला होगा मैं गठन का और साथ में कैबिनेट का बेसब्री से इंतजार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। तो ये पहुंचे हैं और आपको बता दें कि इंसान है सभी को भी पूरी होगी। और एक जो जकड़ापन था एक कर्मचारियों के अंदर, जिस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी हर कर्मचारी की हर व्यक्ति की छीनी गई थी सरकार के द्वारा, वो भी खत्म हो जाएगी। एक उत्पीड़न किया गया था सरकार के द्वारा और कर्मचारी विरोधी सरकार ये इतिहास में कहलाएगी कि पिछले 5 साल जो रहे सरकार ने कर्मचारियों को जितना उत्पीड़न होता था उसने उत्पीड़न किया। एक कोने से दूसरे कोने फेंका, जो ज्यादा बोलता था उसके खिलाफ चार्जशीटें बना दी या FIR कर दी। तो इस तरह से डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो सरकारें नहीं चलती है।
तो आपको क्या लगता है जो काफी सारी त्रुटियां थी, अगर हम छठे वेतन आयोग की अगर बात करें, उसमें आपने कहा, आपने आंकड़े भी यहाँ पे पेश किए थे, ओपीएस का एक काफी बड़ा मुद्दा रहा है कर्मचारियों की बात करें, तो क्या तमाम सारी जो चीजें आपको लगता है पूरी होगी, क्योंकि कैबिनेट के पहले कैबिनेट में उन्होंने कहा की सारी चीजें पूरी। देखिए आप इंतजार करिए, हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है वो कर्मचारी देशी रहा है, धीरे धीरे हर बात को हम सरकार से रखेंगे, हम उसी तर्ज पे रखेंगे जैसे आज तक रखते रहे हैं, हर मुद्दे को हम सरकार के समक्ष रखेंगे, हमें पता कि सरकार हमारी बात को सुनेगी, उसका हल निकालेंगे। आज केवल मात्र हम जो है सरकार को बधाई देने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उसके बाद 2:30 बजे हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, उसके ऊपर हम कुछ खुलासा और भी करने वाले हैं, तो सभी प्रेस बंधुओं का से निवेदन है कि आप 2:30 बजे प्रेस क्लब में जरूर तशरीफ हो और वहाँ आगे की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। तो बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और कहा कि पिछली बार सरकार ने यहाँ पर शोषण किया है कर्मचारियों को, वो नहीं होगा। लेकर यहाँ पर खड़े हैं, तो चलिए अब कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री आएंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे, वो भी आपको लेकर कर्मचारियों के साथ खेलने के बाद कहाँ वो सारी अपडेट आपको लाइव नहीं ताजा जान के देखिए लाइव। आज हम लोग हैं थोड़ा धक्का मुक्की निकल, हम इसलिए आ गए हैं।